Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata ओम ज्ञानदमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वपदां वन्देहं श्रीगुरुः श्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द 17th चैप्टर ऑफ गीता द डिविजन्स ऑफ फेथ। तो पिछले अध्याय में 16वें अध्याय में हम देखते हैं हम 13वें अध्याय से इस भौतिक जगत के अस्तित्व को समझते हुए आ रहे हैं। कृष्णा हैज बीन टेलिंग अस अबाउट द बेसिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। हाउ डज दिस वर्ल्ड फंक्शन, ये भौतिक जगत कैसे चलता है। जब तक ये भौतिक जगत कैसे चलता है ये नहीं समझेंगे तब तक इससे उभरेंगे कैसे। जैसे मुझे गाड़ी लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गाड़ी लेकर के जाना है वो तो ठीक है, आपको एक जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और साथ में आपके पास गाड़ी भी है, लेकिन आपको गाड़ी चलानी कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसे ही श्लोक क्रमांक या अध्याय क्रमांक 2 से लेकर के 12 तक ये है आपका भौतिक अस्तित्व, आध्यात्मिक अस्तित्व और आपके पास गाड़ी। यस, ये भौतिक शरीर जो आपको इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाएगा। लेकिन इस भौतिक जगत रूपी गाड़ी को चलाना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे ये इस भौतिक जगत में ये गाड़ी अटक करके रहती है या स्पीड लेती है, ये जो तारतम्य है ये हमें श्लोक अध्याय क्रमांक 13 से लेकर 17 तक मिलता है। तो पिछले अध्याय में द डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति, इसके बारे में हमने चर्चा की और आज हम देखेंगे द डिविजन्स ऑफ फेथ। सो यहां पे हमें सात्विक राजसी और तामसी इन तीनों विभागों में किस प्रकार से चीजें आती हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा होती है। सो हम देखते हैं क्या क्या हमें मिलेगा यहाँ पे सीखने के लिए। अर्जुनाज इंक्वायरी श्लोक क्रमांक 1, जैसे हर अध्याय हमने देखा कुछ भागों में बटा हुआ है वैसे यह अध्याय भी कई भागों में बटा हुआ है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 भागों में यह अध्याय बटा हुआ है और इसमें से भी हम देखते हैं अन्न यज्ञ
तप और फिर चैरिटी दान, कैसे ये तीन गुणों में हो सकते हैं, इसके बारे में यहां सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। सो सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं कि रे भगवान, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो लेकिन वहां पर शास्त्र विधि नहीं है, Someone is doing something, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है लेकिन वो शास्त्र सम्मत है या नहीं, उसमें भगवान की कितनी स्वीकृति है ये कुछ नहीं पता, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो अर्जुन पूछते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्व रजस, यस सत्वम आहो रजस्तम, अगर कोई अपने हिसाब से कार्य करता है तो उसकी श्रद्धा के बारे में आप क्या कहेंगे? सत्व यहां पे हम देखते हैं भगवान के उत्तर आते हैं, भगवान तीन गुणों के बारे में बताते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकीम राजसी चैव तामसी च इति ताम श्रुणु। अगर आप यहां गौर करेंगे तो तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, निष्ठा यानी फर्म फेथ, श्रद्धा आल्सो इज फर्म फेथ, सो निष्ठा और श्रद्धा इज वन एंड द सेम, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द भक्ति लैडर, या भक्ति के स्टेजेस के बारे में, हम स्तरों के बारे में नहीं बात कर रहे, लेकिन बेसिकली जस्ट एज सिनोनिम्स निष्ठा और श्रद्धा को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, निष्ठा आल्सो मींस फर्म फेथ, श्रद्धा आल्सो मींस फर्म फेथ, दृढ़ विश्वास। सो त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम से स्वभावज, अपने अपने स्वभाव के अनुसार या तो सात्विक या तो राजसी या तो तामसी श्रद्धा व्यक्ति को प्राप्त होगी। क्या है ये, इसके बारे में अब मैं बताऊंगा, आप सुनिए। अगेन वी सी द इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग इज वेरी ब्यूटिफुली इल्यूसिडेटेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। आप सुनो क्या सही है क्या सही है, हे अर्जुन आप सुनो। सो क्या कहते हैं भगवान, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोयम् पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है, अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा गया है। तो जिस प्रकार के गुणों से वो आच्छादित होगा उसी प्रकार से श्रद्धा भी वो डेवलप करेगा। अगर वो सत्वगुणी है तो सत्वगुणी श्रद्धा डेवलप करेगा, अगर वो रजोगुणी है तो वो रजोगुणी श्रद्धा डेवलप करेगा, अगर वो तमोगुणी है तो उसकी श्रद्धा भी उसी उपरांत तमोगुणी होगी। सो स्वभाव जो है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, ये स्वभाव कहां से आ रहा है? ये स्वभाव जीव के पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। सो जीव के ही कर्म उसके स्वभाव के रूप में दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत खेलने में उत्साही है तो नेचुरली वो खेल में बहुत उत्साह उसके माइट बी उसके पेपर के रिजल्ट्स में दिखेगा, Unless he is exceptionally intelligent. तो वो खेलने में अगर बहुत उत्साही है तो उसका रिजल्ट उसके टेस्ट पेपर्स के मार्क्स में दिखेगा। अगर वो बहुत पढ़ाकू है तो उसका भी रिजल्ट उसके टेस्ट पेपर के मार्क्स में दिखेगा। Yes. So, सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा ज्ञापित होगी। तो सत्वगुणी व्यक्ति की श्रद्धा सत्व होगी, रजोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा रजस होगी,
और तमोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा तम प्रधान होगी। एंड दिस स्वभाव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट माय एक्टिविटीज एंड व्हाट माय संस्कारास आर सिंस प्रीवियस लाइफ्स, मैं क्या कर रहा हूं। सो इसीलिए इस जगत इस जीवन को अच्छे से यापन करना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे हर चॉइस के साथ गौर गोपाल प्रभु बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, आर लाइफ इज बी सी एंड डी, बी इज बर्थ डी इज डेथ। इन बी और डी के बीच में हमारे पास एक सी है, वो है सी चॉइस का। वो चॉइस हम अपनी कैसे जीवन में अपनाते हैं उसके हिसाब से, उस चॉइस के हिसाब से मेरे संस्कार बनेंगे और इन संस्कारों के अनुरूप मेरा अगला जन्म सिद्ध होगा। अगला जन्म कैसे, अगले जन्म का स्वभाव मेरा ज्ञापित होगा। सो मेरे इस जीवन के कर्म मेरे साथ रहेंगी कर्म फल के रूप में, प्लस वो क्या होगा संस्कार के रूप में भी। वॉट एवर एक्शन आई एम डूइंग, वॉट एवर चॉइसेस आई एम मेकिंग आर गोइंग टू स्टे इन द फॉर्म ऑफ कर्म फल एज वेल एज संस्कार एज फॉर माई नेक्स्ट लाइफ एंड लाइफ टाइम्स। सो इंपॉर्टेंट टू एक्ट बिहेव थिंक इन द राइट वे। और इसीलिए वॉट इज एक्टिंग थिंकिंग इन द राइट वे, दैट राइट वे इज शास्त्र विधि उत्सृज्य नहीं, शास्त्र विधि अनुरूप। सो मुझे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, सो जस्ट फॉलो शास्त्र। नहीं तो जितने लोग उतनी पसंद है कि नहीं, जितने लोग उतने मत, यतो मत ततो पथ, जितने लोग उतने हर एक की ओपिनियंस। सो विच इज द ट्रू ओपिनियन, ट्रू ओपिनियन इज ऑफ शास्त्र। सो शास्त्र विधिम उत्सृज्य नहीं अनुरूप, यस वर्तते यज्ञकारतः। सो ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, ऑपोजिट विल बी ये शास्त्र विधिम अनुरूप यजन्ते श्रद्धयान्विता। So, शास्त्र विधि के अनुरूप जो यजन करते हैं देन इट इज परफेक्ट। सो स्वभावज श्रद्धा सत्व अनुरूपा सर्वस्य सिद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयम पुरुषो यो अश्रद्ध यो यत् श्रद्ध स एव सः। जिस प्रकार से व्यक्ति की श्रद्धा है वैसा वो व्यक्ति है, एज सिंपल एज दैट। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः त्रितान भूतगणांश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः। सो whom इज वन वर्शिपिंग, यजन्ते सात्विका देवान, देवताओं की उपासना कर रहे हैं, अर्थात सात्विक श्रद्धा है नेचुरली क्योंकि देवतागण सत्वगुणी है। यक्ष राक्षस ये सब राजसी रजोगुणी है, इसलिए रजोगुणी व्यक्ति उनकी उपासना करे। और भूत प्रेत गणांश्च अन्य तामसा, ये तमोगुणी है, भूत प्रेत गणिता इत्यादि पिशाच इत्यादि तमोगुणी है, तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा आएगी। देवतागण यक्षराक्षस और भूत प्रेत पिशाच। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विताः कर्षयन्तं शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः महिमा मम माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या सुरश्चिन्निश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा भौतिक तत्वों के शरीर से भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। सो भगवान सुंदर रूप से असुर कौन है, अहंकार करते हैं दंभ करते हैं, यस
शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। हम इसलिए देखते हैं तपस्या प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्र विरुद्ध तपस्या है। कैसे शास्त्र विरुद्ध है? क्योंकि तपस्या फलीभूत होने के बाद जो वर प्राप्त होते हैं उन वरों से मैं क्या कर रहा हूं। हम देखते हैं रावण इत्यादि वर प्राप्त हुए, उन वरों का रावण ने या कुंभकर्ण ने हिरण्याक्ष हिरण्यकेशिपु ने क्या उपयोग किया? What did they utilize those vardanas for? That's the primary thing. Yes. काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित हैं, मूर्ख हैं और शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। So, वो अपने जीवन में केवल अपने आप को और दूसरों को और इतना ही नहीं भगवान को भी केवल कष्ट ही पहुंचाते हैं। सो इट इज नॉट दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर मेकिंग अदर्स हैप्पी। आहार सत्वापि सर्व आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं श्रुणु। सो अब भगवान बताएंगे आहार यज्ञ तप और दान। यस, पहले भगवान ने श्रद्धा बताई सत्व रजस और तमस के, अब सात्विकी राजसी और तामसी आहार, सात्विक राजस और तमस के ऊपर आधारित यज्ञ, सत्व सात्विक राजसिक तामसिक तप, सात्विक राजसिक तामसिक दान। यस, सो श्रद्धा आहार यज्ञ तप और दान, ये कैसे सत्व रजस तमस से अभिभूत होते हैं इसके बारे में बताया गया है। सो सबसे पहले आहार, सत्वगुणी आहार कौन सा है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विक प्रिया। सो आयु सत्व बल और आरोग्य और सुख प्रीति विवर्धना, सो विच लीड्स टू इंक्रीज इन एज, इंक्रीज इन सत्व, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन हेल्थ, इंक्रीज इन हैप्पीनेस एंड लव सैटिस्फैक्शन। यस, ये सात्विकी हैं। और वो कैसे होंगे? रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदयः। यस, रसमय स्निग्ध स्वादप्रद तथा हृदय को भाने वाला। यस, सो सत्वगुणी ये सत्वगुणी आहार क्या करेगा? आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति का वर्धन करेगा। और वो कैसा होगा? रसमयी होगा, स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स चिपचिपा। सो चिपचिपा मीन्स तेल घी मक्खन। यस, ये सारी चीजें स्निग्ध है, फैटी सब्सटेंसेस। हृदया स्वास्थ्यप्रद। यस, ये सब क्या है? सात्विक आहार है। इसके विपरीत कटु अम्ल लवणादति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारः रजस राजस्य स्येष्टा दुःख शोका अमय प्रदाः अत्यधिक तिक्त खट्टा कटु, कटु मीन्स कड़वा, अत्यधिक कड़वा, अत्यधिक अम्ल, अम्ल याने खट्टा, लवण, लवण याने नमकीन, नमक, लवण मीन्स नमकीन। सो इसलिए हम देखते हैं मराठी में अचार को लोणचे। सो लोणचे ये अपभ्रंश है लवणचे। अगर आपको किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें बहुत सारा नमक डालना पड़ेगा। नमक इज अ प्रिजर्वेटिव।
सो आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को आप नमक में डाल के रखते हैं, सो नमक के कारण वो प्रिजर्व होता है, वो लवणचे का अपभ्रंश होके लोणचे। इसमें भी कन्नड़ में भी उपन्न काय, काय मीन्स पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, व्हाटएवर, काय मीन्स पीसेस, उप मीन्स लवण और नमक, सो उपन्न काय पीसेस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सोक्ड इन और पुट इन नमक। सो लवण अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म, तीक्ष्ण चटपटे, यस, रुक्ष याने शुष्क, जिसके अंदर कोई रस नहीं है, और विदाहीन है याने जो पेट में जलन पैदा करते हैं। सो बहुत ज्यादा खट्टे, बहुत ज्यादा अम्ल, बहुत ज्यादा खट्टे कड़वे, बहुत ज्यादा खट्टे, बहुत नमकीन, अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा चटपटे और विदाउट एनी रसा। तो ऐसे जो आहार हैं वो राजस इष्ट है, राजसी लोगों के लिए इष्ट, दे विल रियली लाइक सच काइंड ऑफ फूड, राजस इष्ट। लेकिन ये क्या करेंगे, दुख शोक और अमय, अमय मीन्स एसिडिटी। हम देखते हैं 75% ऑफ द रोग दैट ह्यूमन बॉडी हैज कम फ्रॉम स्टमक, और स्टमक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसिडिटी। सो दुख शोक और अमय एसिडिटी प्रद है ये सारे, और वो राजसी है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषिचं चयत् उच्चष्ठं विचामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। यस, यातयामं याने जिसकी गर्मी पूरी तरह से चली गई है, गर्म भी नहीं है वो, हल्का गुनगुना भी नहीं है, एकदम ठंडा हो गए, यातयामं। यस, सो प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं 3 घंटे से पहले पकाया हुआ, सो इसीलिए प्रसाद एकदम गरम गरम, ऐसे चूल्हे पर से चपाती आई, थाली में पड़ी गरम घी, वो चाहे 15,000 रुपए महीना कमा क्यों नहीं रहा, वो एक्चुअली क्या है, वो करोड़पति है। जिसको दोपहर का भोजन गरम गरम मिल रहा है आज के समय में, वो सही में करोड़पति व्यक्ति है। सो यातयामं गतरस, यस, शुष्क हो गया वो, रस पूर्ण नहीं है। हम देखते हैं स्निग्ध, यस, रस पूर्ण, ये है सात्विक, और गतरसम तामसिक। पूति याने सड़ा हुआ, पर्युषितम सड़ा हुआ, स्वादहीन, यस, पूति पर्युषित मीन्स सड़ा हुआ। उच्चिष्ठम दूसरे का उच्चिष्ठ, अमेध्य याने मांसाहार या फिर नशा, जो छूने लायक चीजें नहीं है, ऐसा भोजन तामसियों को अति प्रिय होता है, भोजन तामस प्रियम, सो तामसी लोगों को यह भोजन अत्यंत प्रिय होता है। सो जो पका करके ठंडा हो गया, उसके अंदर का रस चला गया, वो शुष्क हो गया, वो सड़ गया, या फिर किसी व्यक्ति का उच्चिष्ट है, किसी के द्वारा ऑलरेडी झूठा है, ऐसा भोजन तामसी लोगों को बहुत प्रिय होता है। सो पहले हमने देखा फूड इन द 3 modes of nature, नाउ वील सी सैक्रिफाइस इन 3 modes of nature। अफलाकांक्ष भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेष्ट यष्टव्यमेवेति मनः
समाध्यायस सात्विकः अफलकांक्षिभिर् यज्ञः। वो यज्ञ, वो कार्य जो किसी फल के हेतु के लिए नहीं किया जा रहा, वो कार्य जो आई वॉन्ट समथिंग दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एन एक्टिविटी, इस मनस्थिति से जो ऊपर है वो सात्विक है। अफलाकांक्षी भी यज्ञों विधिदृष्टो, विधिदृष्ट, विधि मीन्स अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, विधिदृष्ट है। Yes. आपको अगर फर्स्ट याद होगा, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि को छोड़ करके यजन्ते काम कारतः, सो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से, अपने सुख सुविधा के अनुसार वो अपने खुद के रेगुलेशंस बना लेते हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं, खुद के लिए नहीं। यस, विधि दृष्टो ये इज्यते अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स समवन हु वर्शिप्स। यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय। यस, ऐसे जो यज्ञ किया जाता है वो मन को समाधान पैदा करता है और वो सात्विक है। सो सात्विक यज्ञ, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। यस, और मैं शास्त्रों की विधि का पालन करते हुए वो कर रहा हूं। यस, ऐसा ये कर्तव्य समझ कर, यष्टव्यम एवेति मनः, ये मुझे करना ही होगा, एज अ ड्यूटी आई हैव टू डू दिस। यष्टव्यम इति मनः समाधाय सात्विक, इट लीड्स टू सैटिस्फैक्शन, और वो सात्विक यज्ञ है। सैक्रिफाइसेस इन मोड ऑफ पैशन अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैवयत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। सो अभिसंधाय, संधान मीन्स टू एम एट समथिंग और हैविंग अ डिजायर टू गेट समथिंग। अभिसंधाय, किसी स्पेसिफिक इच्छा को पूरा करने के लिए या किसी स्पेसिफिक फल की इच्छा से किया जाने वाला कार्य। So, अभिसंधायतु फलम, फल की अपेक्षा के लिए ही वो कार्य किया जा रहा है। यहां पे क्या है, अफल कांक्षी भी, फल की अपेक्षा नहीं है। जस्ट ले जा रही, सो यहां हम देखते हैं फल की इच्छा नहीं है, अफला कांक्षी भी यज्ञ, दैट इज सत्व। Whereas here we see अभिसंधायतु फलम, फल की अपेक्षा है इसीलिए यज्ञ कर रहे हैं। अभिसंधायतु फलम दंभ अर्थम अपि चैवयत्, इट लीड्स टू प्राइड एंड इट लीड्स टू गेन। यस, मटीरियल गेन एंड मटीरियल प्राइड, इसको प्राप्त करने के लिए इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम, इस इच्छा से जो यज्ञ किया जा रहा है वो राजसम है। सो यहां पे आप देखिए, फल प्राप्त करने की इच्छा है। यस, और लेकिन यहां पर भी हम यहां देखते हैं विधि दृष्टो, यहां भी विधि दृष्ट है, लेकिन यहां पे विधिहीनम असृष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। सो हियर वी सी शास्त्र विधि है और फल की अपेक्षा नहीं है। पैशन में शास्त्र विधि है लेकिन फल की अपेक्षा है। यहां पे शास्त्र विधि नहीं है। Yes. शास्त्र विधि भी नहीं है और फल की अपेक्षा है। सो वी सी शास्त्र विधि है, फल की अपेक्षा नहीं है, सत्व। शास्त्र विधि है, फल की अपेक्षा आ गई, रजस। फल की अपेक्षा है और शास्त्र विधि भी नहीं है, तमस। सो मंत्रहीन अदक्षिणम,
सो मंत्र ये खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए, दक्षिणा ये ब्राह्मण को। सो जो यज्ञ कर रहा है वो भी संतुष्ट नहीं है, वो लोभी है, और जो करवा रहा है या जो यज्ञ कर रहा है उसको रेम्यूनरेशन नहीं है, और जो करवा रहा है वो लोभी है। तो फिर श्रद्धा विरहितम, यस, करने के लिए करना है बस, श्रद्धा विरहितम तामसम परिचक्षित। सो वी सी हियर, अगर हम चैंटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स इन वन सेंस चैंटिंग इज अबव द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बट स्टिल जस्ट टू गिव अ सीरियस नोट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा राइटली, कि नहीं तो श्रद्धा भी रही था, वो यज्ञ हो रहा है लेकिन वो तामसम है। भगवान यहां ये नहीं कह रहे कि वो यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ है लेकिन वो यज्ञ तामसी है। उसी प्रकार से अगर मैं सही चेतना में हरे कृष्णा नहीं करता तो वह तामसी जप भी हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमने आहार देखा, हमने यज्ञ देखे, अब हम तपस्याओं को देखेंगे। तपस्या किस प्रकार से सत्व रजस और तमोगुणी हो सकती है, इससे पहले वो तपस्या के तीन अंगों को बताते हैं, काया वाचा और मनसा। हम देखते हैं जीव के ये बहुत तीन महत्वपूर्ण अंग हैं और इन तीनों से ही कर्म बंधन बने हैं, रहे हैं और निकले हैं। यस, काया वाचा और मनसा। जब भी कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, वैष्णव संप्रदाय में उसे त्रिदंडी संन्यास मिलता है। वो तीन जो दंडे हैं दे रिप्रेजेंट बॉडी स्पीच एंड माइंड। और उसके बीच में ऊपर एक ऐसा स्टाफ होता है दैट रिप्रेजेंट्स जीवा। सो बॉडी विद बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, बॉडी स्पीच एंड माइंड, मैं या ये जीव भगवान आपको समर्पित हो रहा हूं। इंटरेस्टिंगली संन्यास मंत्र इज समथिंग दैट ऑल महाराष्ट्रियंस चैंट आफ्टर एवरी आरती। खाली लोटांगण वंदी न चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, उसमें कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वात् बुद्ध्यात्मनावा प्रकृतिम स्वभावात् करोमि यज्ञम सकल परस्मै नारायण इति समर्पयामि। दिस इज संन्यास मंत्र। कायेन बॉडी, वाचा स्पीच, मनसा माइंड। आप देखेंगे ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी स्पीच एंड माइंड। कायेन वाचा मनसा इंद्रियै बुद्ध्या आत्मन प्रकृति स्वभाव, इन आठों चीजों से करोमि यज्ञम, मैं यज्ञ करूंगा अब। सकल पर अस्मै नारायण इति समर्पया, और आज से मेरा जीवन सकल पर नारायण को, अबव ऑल भगवान नारायण जो स्थित है उनके चरण कमलों में मेरा जीवन समर्पित है। So knowingly, unknowingly, everyone recites sannyas mantra when they chant sukhakarta dukhakarta lavthoti vikrala yugya 28 whatever you have hanumanachi arti durgat bhari, all we chant, aur uske baad mein hum jo ghalin lutangana bolte hain us samay hum everyone chants sannyas mantra knowingly, unknowingly. So three types of world. Austerity, body, speech and mind. Devadvij guru prajna pujanam shauchamarjavam brahmacharya mahimsacha shariram tap uchyate. Devadvij guru prajna pujanam. Yes, respect, unhindered respect to demigods, Brahmanas, the gurus and learned people. Yes, unhindered respect to demigods, Brahmanas, one's own spiritual master and learned faculty members. Then shaucha, keeping body and mind clean, which means following regulative principles and chanting Hare Krishna. Hum body ko kaise pure rakhte hain? By falling for regulative principles.
और हम मन को कैसे क्लियर रखते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। आर्जवम, आर्जवम मीन्स सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स नो ड्यूप्लिसिटी, प्रभुपाद जी कहते हैं। सिंप्लिसिटी मीन्स जो अंदर है वही बाहर है। यस, अहिंसा ब्रह्मचर्य, यस, अत्यंत भोग करने की लालसा न रखना ब्रह्मचर्य, और अहिंसा दूसरों को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाने से दूर रहना, ये है अहिंसा, और ये सब शरीर के तप है। सो ऑलवेज गिविंग रिस्पेक्ट एंड वर्शिपिंग डेमिगॉड्स, ब्राह्मणास, गुरु, लर्नड पर्सनालिटीज, कीपिंग बॉडी एंड माइंड क्लीन, सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड, यस, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये क्या है, शरीर के तप है। फिर अब वाचा का तप, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकर, उद्वेग मीन्स एंजाइटी, ऐसे वाक्य जो दूसरों को एंजाइटी न दे, अन उद्वेग कर वाक्य, सत्यम प्रियम और हितम। दैट्स व्हाई वी सी, हम उसे कोंकणी में कहते हैं गाओ गजाली, yes. शास्त्रिक लैंग्वेज में उसे कहते हैं प्रजल्प, या कोंकणी में उसे और एक वर्ड है खबरियो खबरियो मारता यस सर, ये सब क्या होता है, ये सब उद्वेग करने वाले वाक्य है, अपने को भी हिलाते हैं और हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको भी हिलाते हैं। सो अन उद्वेग कर वाक्यम एंड प्लस देन सत्यम प्रियम एंड हितम। So whenever we are speaking something, how to really understand whether it is really worth speaking? It shouldn't agitate others. It should really be truth. It should not be hearsay. It should be palatably spoken. अच्छे से वर्णित हो और हितम उस व्यक्ति के भलाई के लिए हो, ना कि उसकी उससे रिवेंज सीक करने के लिए या उसे दिखाने के लिए tit for tat, ना। So, अन उद्वेग, जो दूसरों को उद्वेगित न करे, जो सत्य पर आधारित हो, प्रिय हो और हितकारी हो, yes. और ऐसे वचन, what will they be based on? स्वाध्याय, अभ्यास, वांग्मय, yes. इस प्रकार की जो वाचा है वो केवल स्वाध्याय से ही आएगी। शास्त्रों का डीप स्टडी, कॉन्शियस स्टडी। सो जो व्यक्ति शास्त्रों का डीप कॉन्शियस स्टडी कर रहा है वही ऐसे वाक्य बोल पाएगा, अन उद्वेग क्रम, सत्यम प्रियम और हितम। जस्ट अ मिनट प्लीज, प्लीज गिव मी 10 seconds। Yes. So, ये है वाचा का तप, वाक्मय तप।
एंड देन ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येत तपो मानसमुच्य। मन प्रसाद सैटिस्फैक्शन, मन प्रसाद सैटिस्फैक्शन ऑफ माइंड, सौम्यत्व जेंटलनेस, उग्र हमेशा रेडी टू पाउंस ऑन, ऐसा नहीं। मन प्रसाद सौम्यत्व, मौनम जितना चाहिए उतना ही बोलना, अत्यधिक बोलना नहीं, मौनम। आत्मविनिग्रह, यस, कंट्रोलिंग और माइंड, यस, आत्मविनिग्रह। भाव संशुद्धि ही, ट्राइंग टू प्यूरिफाई वन्स एग्जिस्टेंस, यस। सो मना प्रसाद शांत, सैटिस्फाइड माइंड, मना प्रसाद सौम्य मृदु, यस, नॉट बीइंग एक्सेसिवली असर्टिव हीरोइक, ये सब सौम्य। मौनम जितना चाहिए उतना बोलो, शांति रखो। आत्मविनिग्रह कंट्रोलिंग माइंड फ्रॉम द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय, और जीवन का उद्देश्य अपने संशुद्धि के लिए, अपने चेतना की संशुद्धि के लिए है ये जानना। ये क्या है? मानसिक तप है। सो अब हम देखेंगे ये तपस्या कैसे तीन गुणों में आती है। सो पहले हमने क्या देखा? श्रद्धा, उसके बाद आहार, और अब तपस्या। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तृप्तिद्विधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम, यस, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः, यस, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सो सात्विक तपस्या क्या है? भौतिक भोग की इच्छा न करना, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों के द्वारा, और दिव्य श्रद्धा से संपन्न तपस्या, यह सात्विक कहलाती है। No intention for any reward, completely engrossed or dedicated to the Supreme Personality of Godhead and endowed with transcendental faith. ऐसे जो तपस्या होती है वो सात्विक कहलाती है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। तो सत्कार मान और पूजा, यस, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मैं ये करूंगा तो हर जगह मेरा नाम आना चाहिए, तो सत्कार मान पूजा अर्थ उसके लिए कर रहे हैं। सत्कार मान और पूजा चाहिए, नाम चाहिए हर जगह। दंभेन, यस, दंभ, दर्प, गर्व, दंभ यानी अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर होना, दंभ। क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम, ऐसे जो की जाती है वो तपस्या क्या है? वो राजसी तपस्या है। वो चलम और अध्रुवम, इट विल नेवर रिमेन फॉर लॉन्ग। सात्वी की तपस्या लंबे समय तक रहेगी, लेकिन राजसी तपस्या, तामसी तपस्या लंबे समय तक नहीं रहेगी। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामस उदाहृतम्। मूढ़ग्राहिण आत्मनो, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है
मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् प्रीडया क्रियते तत् परस्य उत्सादनार्थम्। सो आत्मनो पीड़या क्रियते, खुद को वो खड्डे में डालती है, खुद को कष्ट पहुंचाती है। यस, इट इज फूलिश, मूढ़ आत्मनो यत् पीड़या क्रियते, स्वयं को जो पीड़ा देती है ऐसी तपस्या। फिर दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए परस्य उत्सादनार्थम, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए तत् तामस उदाहृतम, वो जो ऑस्टेरिटी है, वो तपस्या जो है, वो तामसी कहलाती है। अब भगवान कहते हैं दान के बारे में, तीन गुणों में कैसे दान समाविष्ट होता है। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सो दातव्यम इति यद्दानं, वो दान जो कर्तव्य समझ कर किया जा रहा है। दातव्यम इति, वो मुझे देना ही पड़ेगा, वो मैं रख नहीं सकता। इट इज एग्जैक्टली लाइक अ पर्सन इज पेइंग टैक्सेस, वो उसे देना ही होगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। दातव्यम इति, दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे। सो ऐसा नहीं समझ करके कि अरे मैं इसके ऊपर ये पैसा दे करके या उसे कंबल दे करके या अन्न दे करके मैं उसके ऊपर कितना उपकार कर रहा हूं। नो, अनुपकारिणे, नॉट गिवन विद अ फीलिंग ऑफ आई एम डूइंग ओ सो गुड फॉर अदर्स, दीयते अनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र, यस, सिचुएशन सर्कमस्टेंस और वो व्यक्ति जिसे हम दे रहे वो कैसा है। तद दानम सात्विकम स्मृतम, यस। सो देश काल का, पात्र का विवेचन करके दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा हूं इस भावना से रहित तो होकर के, और कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है वो करना, ये समझ करके जब दान दिया जाता है तो वो राज सात्विक दान होता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः, यही देखेंगे हम श्रद्धा में भी यही था, यस, फलकांक्षी भी, तब वो रजस है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, प्रत्युपकार, यस, फलम उद्दिश्य वा पुनः, yes, I am expecting something in return, फलम उद्दिश्य, दीयते च परिक्लिष्टम, yes, परिक्लिष्टम, अरे it is becoming so difficult for me to part with my दान, परिक्लिष्टम, जो क्लेश देगा व्यक्ति को, क्लेश पूर्वक जो दिया दान दिया जाता है वो तामसी दान है। खुश होकर के दान देना चाहिए, अगर दान दे रहे हैं तो खुश होना चाहिए। सो दीयते च परिक्लिष्टम विद ग्रेट एंजाइटी, अरे मेरा वो चीज जा रहा है। तद दानम राजसम स्मृतम, वो दान राजसी दान है। फिर दान जो कि तामसी है, अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। So, यहां हम देखेंगे, सो हियर देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र का विवेचन करके, अदेश अकाले, यस, अपात्रेभ्यो, देश काल पात्र, सो अदेश अकाल अपात्र, असत्कृतम अवज्ञातम, यस, बिना समुचित ध्यान के, असत्कृतम अवज्ञातम, अवज्ञात होकर के, उपहेलना करके, वो दान तामसी दान है। सो कर्तव्य के रूप में देते हुए, उपकार की भावना रखते हुए, देश काल पात्र का विवेचन करके जो दान दिया जाता है वो सात्विक है।
प्रति उपकार रिटर्न गिफ्ट के लिए जो दान किया जा रहा है और इट रियली गिव्स क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ पेन। दीयते च परिक्लिष्टम, क्लिष्ट देगा ही, तद दानम राजसम स्मृतम, वो राजसी दान है। यस, और तामसी क्या है? बिना देश काल पात्र को दिए। यस, असत्कृतम अवज्ञातम, यस असत्कृतम अवज्ञातम। So which is not done for the right cause, asat kritam, avadnyatam, किसी को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, तब वो दान जो है वो तामसी हो जाता है। Yes, and how it concludes? So om tatsaditi nirdesho brahmanas trividha smritam brahmanastena vedascha yajnascha vihitah purah। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां, ओम तत्सत, ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। ओम तत्सत। इंटरेस्टिंगली आप अगर भगवद गीता का भी प्रीफेस पढ़ेंगे, आई थिंक प्रीफेस इज टाइटल्ड ओम तत् इंट्रोडक्शन, नो इंट्रोडक्शन, प्रभुपाद जी ने ओम तत् सत लिखा है इंट्रोडक्शन के एंड में। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरः। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत रेफर्स टू कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। Yes, and it also refers to Vedic mantras. Vedic mantras का उच्चारण करते समय ओम। आप देखेंगे traditionally जो भगवद गीता लिखी जाती है उसके हर एक चैप्टर के एंड में भी ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। ऐसे ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता। सो ओम तत्सत रेफर्स टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म के की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। सो सारे वैदिक मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है, इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मैं ओमकार हूं। प्रणव, प्रणव मीन्स ओमकार, भगवान कहते हैं ये उनकी विभूतियों में, I am ओमकार, I am प्रणव, प्रणव सर्वभू, प्रणव प्रणव सर्ववेदेशु, शब्द खे पौरुषम्दशु, प्रणव सर्ववेदेशु। सो द फर्स्ट लाइन और द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी मंत्र इज ओम, सर्ववेदेशु प्रणव। तदित्यभिसंधाय फलम यज्ञतप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। सो तत् ओम फिर तत्। मनुष्य को चाहिए
कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। यस, तदित्य तदित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया। यस, दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। सो मोक्ष कांक्षी भी, दोज हु डिजायर लिबरेशन, दे डू दिस, दे अंडरस्टैंड द तत् फीचर। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सादीति चोद्यते कर्म चैव तदर्थीयं सादि त्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्षण है और उसे सत शब्द से अभिहित किया गया है। सो लॉर्ड रेफर्स टू सत। हे प्रथापुत्र, ऐसे कर्म का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए गए हैं वो सत हैं। So if somebody is engaging for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead, he is basically in sat feature. जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए तुला है वो सत फीचर में प्रवेश कर गया। ओम तत् सत। यस, तो फिर असत क्या है? अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्त्वप्तं कृतं च यत् असीदित्युच्यते पार्थ न च तत्रे तत्प्रेप्यनु इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। तो श्रद्धा के बिना यज्ञ दान और तप करना ये क्या है? नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। सो श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई भी यज्ञ या दान या तप कर रहे हैं उसका कोई उपयोग नहीं होगा। टू द डिग्री आई हैव फर्म फेथ, टू दैट डिग्री इट विल अफेक्ट। अगर संतुष्टि और इच्छा नहीं है, ये ज्ञान पड़ेगा लेकिन फिर भी उसको अफेक्ट नहीं होगा। यस, सो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे पास यज्ञ दान तप आहार कैसे सत्व रजस और तमस के द्वारा अभिभूत है, इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से भगवान ने बताया। सो राइट नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग and if anyone has any questions you can please ask. Hare Krishna Prabhu ji, dandat pranam. Dandavat Prabhu ji, bahut badhiya, as usual ye class is magnetic. Prabhu ji ek sawal hai. Ha, marathi mein ek Tukaram ji ka abhang hai, omkar pradhan roop ganesha se. तो अब लोग हम जब देखते हैं कि ओम इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कृष्णा, और नारद ने भी एक गणेश के ऊपर जो लिखा हुआ है स्तोत्र या मंत्र, उसमें भी उन्होंने ओम का यूसेज दिखाया गणेश जी के लिए। तुकाराम जी तो मतलब वी नो ही इज अ प्योर कृष्ण भक्त, तो उन्होंने भी मतलब ओमकार प्रधान रूप गणेशा से उसमें उन्होंने कहा अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश जानिएगा। तो हियर स्पेसिफिक दे हैव एक्सप्लेन्ड ओम और रिफर्ड ओम टू गणेश, तो कैन यू एक्सप्लेन दैट? सी, आज के परिस्थिति में मेनी अभंगास विच आर सेड इन द नेम ऑफ तुकाराम महाराज आर आल्सो कॉन्कॉक्टेड। सो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि ये सही में
तुकाराम महाराज ने लिखा है कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये अभंग जा रहा है मुझे नहीं लगता तुकाराम महाराज ऐसा लिखेंगे। दिस इज यूजुअली, ये जो ऐसा एनालिसिस है ना, ये ज्ञान मार्ग का एनालिसिस है। अ उम ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ज्ञान मार्ग की एनालिसिस है। आई हाईली डाउट दैट दिस वाज रिटन बाय तुकाराम महाराज हिमसेल्फ। ऑल्दो तुकामणि है, लेकिन वो तुकामणि वाले अभंगों में भी सही में तुकाराम के कितने क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये फिलोसॉफी सही नहीं है। Is that okay? Yeah, thank you, प्रभु जी, thank you. Actually, I understood, ये थोड़ा सा ज्ञान लेवल पे पहुंचने वाला है, तो probably it is not really important to understand it into details. Thank you, प्रभु जी. हरे कृष्णा. Thank you. हरे कृष्णा. Thank you. मनोहर प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. धन्यवाद प्रणाम प्रभु. Thank you for the amazing session, प्रभु. अपने चैरिटी ऑस्टेरिटी एंड बेसिकली कैसे ह्यूमन मतलब फेथ इवॉल्व होना चाहिए, भगवान आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु. प्रभु आई हैड अ डाउट कि आपने जब सैक्रिफाइसेस बोला, सैक्रिफाइसेस इन पैशन व्हिच इज बेस्ड ऑन डिजायर्स, यस डिजायर्स, तो अभी डिजायर्स को भी हम मतलब दो भागों में कर रहे हैं, जैसे कि एक अच्छा डिजायर और बुरा डिजायर. मतलब मैं अगर अच्छा डिजायर ले रहा हूँ उससे मेरे को फल मिल रहा है, मैं वो समाज की सेवा में डाल रहा हूँ, तो उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब कौन सा सैक्रिफाइस होगा, मिक्स हो जाएगा ना थोड़ा गुड एंड पैशन का. समाज, हाँ, वो समाज की सेवा में जा रहा है तो फल की अपेक्षा से ही किया जा रहा है, तो वो तामसिक. समाज सेवा का अगर ये है तो वो तामसिक है, रिजल्ट है वहां पर, नहीं तो सटली हम उसको रिजल्ट को लेकर के बैठे हैं तो तामसी है. इज दैट ओके? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु. तोशल. हरे कृष्णा प्रभु, नमो प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि हाउ वी कैन नो अबाउट दैट थिंग कि व्हिच पर्सन इज एलिजिबल टू टेक दान और विच पर्सन इज नॉट, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, क्योंकि कृष्णा ने कहीं भी बताया नहीं, बस भगवान ने ये बोला कि दिस व्यक्ति को देना, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, एलिजिबल पर्सन को देना चाहिए, बट हाउ वी कैन डिस्क्रिमिनेट दैट दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर टेक द दान और नॉट, एंड हाउ वी कंसीडर दैट माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन. थर्ड चैप्टर गीता में दान के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बताते हैं. वे कहते हैं कि हाईएस्ट दान इज भक्ति को स्प्रेड करने के लिए किया जाने वाला दान, उससे जीवों का भव बंधन छूटेगा. यस, वो भौतिक जगत में है इसलिए दुख भोग रहा है, तो सबसे अच्छा कार्य है उसे भौतिक बंधन से निकालो. सो उसके लिए वो जो कुछ भी हम उसके लिए कर रहे हैं, दैट इज परफेक्ट, उसमें कोई टेंशन नहीं. सो नहीं तो वो क्या हो जाता है, वो रिजल्ट ड्रिवन हो जाता है. एज सून एज देयर इज रिजल्ट एक्सपेक्टेंसी इट बिकम्स रजस. आर यू ओके? हां यस प्रभु जी, बट माय डाउट इज लाइक दैट एज वेल कि जैसे मैंने किसी एलिजिबल पर्सन को भी दिया, एज पर कि नॉन एलिजिबल पर्सन है वो, उसको देना चाहिए, बट अगर उसका माइंडसेट चेंज हुआ तो वो दान अगर उसने किसी और तरीके से यूज किया तो उसका फल मुझे लगेगा या फिर लगेगा तो. क्यों नहीं लगेगा? इसीलिए दान में बेस्ट इज आप प्रसाद लेकर के चलो, और जब भी दान देने की इच्छा करे प्रसाद दे दो. ओके प्रभु, दैट इज बेस्ट. आपके पास हमेशा प्रसाद हो जो आप किसी को भी दे सकते हैं. हमने कई बार ये नोट किया है, तो हम ट्रेन में जाते हैं, सो ट्रेन में वो पूछे वाले वगैरह आते थे. देखिए अभी तो गवर्नमेंट का चालू हो गया, बट पहले जब नहीं था वो सब पूछे वाले वगैरह आते थे, और फिर वो मांगने के लिए आते थे. एक बार आपकी बोगी में पूरा झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा, फिर आपसे कुछ मांगने आएगा. यस, सो वो मांगने की दृष्टि से ही आ रहा है.
वो मांगने की दृष्टि से ही आ रहा है। सो वो अगर कुछ गड़बड़ी करेगा, आपने उसे 10 रुपए दिए, वो 10 रुपए से अगर वो जा करके 4 स्क्वायर सिगरेट ले करके फूक रहा है, तो उसका थोड़ा पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए पैसों से उसने सिगरेट खरीदी है। वो लगेगा ही लगेगा। इज दैट ओके? हाँ यस प्रभु जी। बट प्रभु फिर ऐसे चीजों में तो हम दान मतलब प्रसाद अवेलेबल नहीं है, और नीड ऑफ पर्सन देखकर हम कंपैशनेट भी नहीं होंगे, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक ही है ना प्रभु? मतलब नहीं, ऐसा क्यों है? सी, हम कंपैशनेट होते हैं मतलब हम भगवान को प्लीज नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, पलक्रम इज कृष्णा सैटिस्फैक्शन एंड I remain satisfied in Krishna's satisfaction. फिर जो कोई भी आना है साथ में आने दो, जो कोई भी छोड़ के जाते हैं जाने दो। Ultimately we are dependent on Krishna. ये समय का लेखा जोखा है, सब कुछ आमने सामने दिख रहा है, लेकिन ultimately when it comes to leaving this body, for a 5-month-old baby also, 25-year-old young man also, for a 75-year-old man also, they are all alone. और अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, अकेले ही कर्तव्यों का और कर्मों का बोझा ढोना है। इसके बीच में 4-5-6 समान कार्मिक बैगेज के लोग एक साथ डाल दिए जाते हैं एक जन्म के लिए, उसे हम परिवार कहते हैं। लेकिन ये परिवार भी राह देख रहा है कब ऊपर से स्ट्रिंग खिंच जाएगी, बूम, और एक बंदा उड़ जाए, फिर एक बंदा उड़ जाए। फैमिली फैमिली बेसिकली इज 4 पीपल विथ सिमिलर कर्मास पुट टुगेदर। मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं, हम अगर मायापुर जा रहे हैं, पुरी जा रहे हैं, समझ लीजिए 100 लोग हैं, तो हम उनको पहले पहले तो फैमिली फैमिली एकत्रित कर देते हैं, खत्म काम। अब जो बाकी के रह गए, बैचलर प्रभुजीज और बैचलर माताजी, या सिंगल प्रभुजीज और सिंगल माताजी, फिर हम देखते हैं किसका किसके साथ जमता है। ऐसे 3-4 लोगों को एक रूम में रखते हैं, किसका किसके साथ नहीं जमता है उन दोनों को एक एक रूम छोड़ करके रखते हैं। सो देन आर फैमिली इज लाइक दिस, यात्रा पे गए 4 दिन एक साथ रहे, यात्रा खत्म, पैसा हजम। वैसे ही हम एकत्रित आए, 4 पीपल विथ सिमिलर बैगेजेस ऑफ कर्मा केम टुगेदर, स्टेड फॉर 50-60 years, अगेन अपने अपने रास्ते आ गए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अल्टीमेटली आई एम ऑन माय ओन, आई वाज, आई एम एंड आई विल एवर बी ऑन माय ओन। द ओनली पर्सन और द पर्सनालिटी यू कैन हेल्प मी इज कृष्णा। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर अभंग में लिखते हैं, नको नको मना गुंतु माया जाळी, काळ आला जवळी ग्रासावया, काळाची उडी पडेल बा जेव्हा सोडविना तेव्हा माय बाप, सोडविना राजा देशीचा चौधरी आणिक सोयरी भली भली, तुका म्हणे सोडविणारे कोणी एक चक्र पाणी वाचवनिया। वो कहते हैं नको नको मना गुंतु माया जाड़ी, ओ माय डियर माइंड, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन दिस मटेरियल हसल वसल। काल आला जवळी ग्रासावया, विद एवरी पैसेज ऑफ सनसेट एंड सनराइज, मृत्यु की घटिका पास आ रही है, काळाची उडी पडेल बा जेव्हा, व्हेन एक्चुअली डेथ पर्सोनिफाइड यमा और यमदूत हैज कम, सोडविना तेव्हा माय बाप राजा देशीचा चौधरी सोयरी बली बली। माँ बाप, रिलेटिव्स, यस, गांव के मुखिया, राज्य के राजा, कोई कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जब मृत्यु की घटिका आएगी। तुका म्हणे तुका सोडविना रे कोणी, आपको कोई नहीं बचा सकता, एक चक्र पानी वाचोनिया, केवल भगवान बचा सकते हैं। सो यज्ञ जो भगवान को केंद्र बिंदु में रख करके किया जा रहा है वो सात्विक है। अगर वो भगवान को केंद्र बिंदु में रख करके नहीं किया जा रहा
तो कम से कम शास्त्र विधि के अनुसार है तो राजसी है, शास्त्र विधि के अनुसार भी नहीं है तो तामसी। इज दैट ओके सोशल प्रूफ? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी वेरी मच आप सभी को कि आप सभी ने इतने अच्छे से ये 17th प्रभु जी चैप्टर का डाउट था। सनातन दान पे बात कर रहे थे, दान तो आजकल बोला जाता है ना रक्तदान, हाँ डोनेशन, बट देन हाउ यू विल लुक एट इट, हाउ इट विल बी लुक्ड एट, बिकॉज यू गिव blood donation in interest of somebody who is ill or who is in need of the blood. So we How should give blood donation to devotees. Otherwise we should refrain. भक्तों को जरूर देना चाहिए, वरना हमको blood donor बनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं। Because we don't know now how where it will be used and who will be the consumer of it. तो ब्लड डोनर होने की कोई जरूरत नहीं है, भक्त हो तो ब्लड क्या शरीर भी दे सकते हैं, नो टेंशन। ओके ब्रो, ठीक है, या ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।